अरे भाई क्या है ये पाकिस्तानी टीम। पहला ही मैच T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान हार गई, और वो भी किस टीम से? यूएसए जैसी टीम से। यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया। यूएसए कमजोर मानी जा रही थी, पाकिस्तान ने भी समझा यूएसए तो कमजोर टीम है, यूं ही हरा देंगे, लेकिन यूएसए ने दिखा दिया कि पाकिस्तान हल्के में लेने की भूल मत करना, और पाकिस्तान को धूल चढ़ा दी यूएसए ने। पहले 159 रनों पर पाकिस्तान को रोक लिया, उसके बाद चेस करते हुए भी यूएसए की टीम काफी अच्छी दिखी, और हरी सरफ के आखिरी ओवर में 15 रन बनाकर मैच को टाई करवा दिया। और सुपर ओवर में जिस तरह यूएसए ने 5 रनों से ये मैच जीत लिया, उसने पाकिस्तानी टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तानी टीम आखिर है क्या, कितनी अनप्रेडिक्टेबल टीम है। अपने दिन पर कमाल कर देती है, लेकिन जब पाकिस्तान का दिन नहीं होता तो जिम्बाब्वे और यूएसए टीम से भी हार जाती है। लेकिन तारीफ करनी होगी यूएसए टीम की, जिसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गेंदबाजी में। यूएसए टीम ने कमाल किया, उसके बाद बल्लेबाजी भी यूएसए की काफी अच्छी रही। यूएसए की टीम सजी हुई है विदेशी खिलाड़ियों से, जिसमें भारतीय खिलाड़ी भी हैं, और यूएसए टीम में खेल रहे भारतीय मूल के खिलाड़ियों ने ही पाकिस्तान को रोन दिया। पहले ही मैच में शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी भी काफी निराश दिख रहे थे। कप्तान बाबर आजम, जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो यूएसए से पहला ही मैच हार जाएंगे, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज जो चार गेंदबाज पाकिस्तान के हैं, उनके सामने यूएसए ने मैच जीता, जिसमें शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, आमिर, जिसे नंबर वन कहा जाता है, उस गेंदबाजी को बोना साबित कर दिया यूएसए की टीम ने। और कप्तान बाबर आजम को तो देखिए कितना खराब प्रदर्शन बाबर आजम का रहा। पहले 15-16 बोलों में बाबर आजम ने सिर्फ 5 रन बनाए थे, और टेस्ट की तरह बल्लेबाजी करी, और सबसे ज्यादा बाबर आजम की बल्लेबाजी की वजह से ही और बाबर की धीमी स्ट्राइकर की वजह से ही पाकिस्तान 160 रनों तक ही पहुंच पाई। बाबर आजम से ज्यादा अच्छा स्ट्राइकर तो शाहीन अफरीदी का था, क्योंकि जिस तरीके से क्रिकेट चल रहा है ऐसे में बाबर आजम का यह स्ट्राइकर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो बाबर आजम मैच की हार की वजह रहे। हारिस रऊफ जो 15 रन आखिरी ओवर में डिफेंड नहीं कर पाए, उसके बाद आमिर का सुपर ओवर वाला ओवर जिसमें कई सारी वाइड आमिर ने दी, ये पाकिस्तान को लेट हुआ, और पाकिस्तान यूएसए जैसी टीम से शर्मनाक तरीके से हार गई। और उलटफेर T20 वर्ल्ड कप का पहला उलटफेर पाकिस्तान के पहले मैच में ही देखने को मिल गया। अब पाकिस्तान को 3 मैच बाकी है, तीनों मैच जीतने होंगे अगर क्वालिफाई करना है सुपर 8 के लिए, वरना पाकिस्तान बाहर भी हो सकती है।